यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ साइन टू थीटा इक्वल टू कॉस थ्री थीटा वेयर थीटा इज जीरो टू पाई बाय टू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा के कब इक्वल हो सकता है जब थीटा और इसका देखो आपको पता है साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज सेम बिकॉज साइन थीटा. तो इसका मतलब आप इसे चाहो तो कंसेप्चुअली समझाने के लिए बता रहा हूँ साइन 90 माइनस थ्री थीटा भी लिख सकते थे यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस थ्री थीटा यानी 5 थीटा इक्वल टू 90 यानी थीटा इक्वल टू 18 और साइन 18 का वैल्यू होता है ये मैंने आपको बोला था याद रखना है रूट 5 माइनस 1 बाय 4 देन करेक्ट आंसर इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4 राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू 3 पावर 1 प्लस एक्स देन काफी सिंपल क्वेश्चन है एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड. देखिए लॉजिकली समझें तो एफ एक्स ऐसा है 3 इंटू 3 पावर एक्स. मैं आपसे एफ वाई बोलूं तो भी यही होता 3 इंटू 3 पावर वाई. एफ जेड मेंटली करने वाला क्वेश्चन है 3 पावर जेड और अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करने को बोलता तो 3 का क्यूब लिख सकते थे आप 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई यानी ऐसा भी लिख सकते थे 3 पावर x प्लस y प्लस z प्लस 3 दिस इक्वल टू चाहे तो अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं x प्लस y प्लस z प्लस कितना लिखना चाहिए 2. अब देखिए इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है ये आया है. अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें आपको ये चाहिए x प्लस y प्लस z प्लस 3 अगर चाहिए यहां पर रिजल्ट को तो मैं यहां पर अगर 2 लिख दूं तो क्या होगा. देखिए अगर मैंने इसमें 2 लिखा तो इस पूरे में यही चेंज होगा यानी 3 पावर 1 प्लस x प्लस y प्लस z प्लस 2 एंड दिस इक्वल टू 3 पावर x प्लस y प्लस z प्लस 3. इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग ये वाला आंसर लगा देंगे बट ये आंसर लगाया तो गलत हो जाएगा. इसका करेक्ट आंसर होगा x प्लस y प्लस z प्लस ऑफ 2 राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं पेपर जब सिंपल आता है तो आपको ध्यान भी रखना पड़ता है इन छोटी छोटी बातों का. अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है द नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ये मैंने जब आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी तो एक चीज बोली थी मॉड फंक्शन में याद रखिए अगर ऑल पॉजिटिव हो तो आंसर सिंगल स्टेप में 0. क्यों क्योंकि 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 नहीं हो सकता तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं 0. कहीं पे भी ये सब लेके करने मत उलझ जाना क्योंकि अगर ये करते हैं अब इसमें मिस्टेक बता देता हूं. इसका -4 -5 आया लेस देन 0 पर आपको मिला 4 और 5. बहुत कॉमन है लोग 4 लगा दें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये पर 4 तो है ही नहीं खैर ऑप्शन में पर होता तो लगा सकते थे बट रिमेंबर मॉट. अब आपने कंडीशन लिखी ग्रेटर देन की तो लेस देन तो नहीं हो सकता तो दोनों नेगेटिव है तो कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 0. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देन एफ डैश एक्स. आप सोचिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए सिंपल एक ही स्टेप में कर सकते हैं साइन टी का कॉस टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी तो क्या हो जाएगा हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या है अगर इस क्वेश्चन को समझें तो इसमें बोला गया है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3. अब एक चीज समझिए कई चीजें मैंने आपको लॉजिक से समझाई थी कि कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप बिना सॉल्व करे दे सकते थे कैसे वो बता देता हूं. जैसे मैं इसके आंसर के बारे में अभी से श्योर हूं कि क्या होगा एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. आपको मैंने तैयारी इस ढंग से किया है पढ़ाने का तरीका हमेशा मैं एक बात रखता हूं कि ट्रिक्स नहीं कंसेप्ट बनाओ लॉजिक बनाओ. आपको पता होना चाहिए कि 3 ऑप्शन रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं और हर तरह से पेपर सॉल्व करना आना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि केवल आपको मेथड आता है या केवल ट्रिक आती है केवल लॉजिक तीनों के कॉम्बिनेशन. अब देखिए इसमें एक एक्स निगेटिव है इसका मतलब इसका डोमेन छोटा सा हो गया ये 2 नहीं हो सकते क्योंकि रूट एक्स जब होता है
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जैसे रूट x माइनस वन हो तो इसकी डोमेन बहुत बड़ी होगी। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझिएगा। अब ये भी नहीं होगा ओपन इंटरवल। क्या है लॉजिक समझिए, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 माइनस x अलग से ले लो, इस पूरे को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इज मीन्स इक्वल टू जीरो, इज मीन्स x का कोई भी फैक्टर नेगेटिव नहीं हो। इनइक्वलिटीज में सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन से, इसका मतलब 2 एंड 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका सॉल्यूशन सेट है 2 2 3। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपने तीन आंसर श्योरली रिजेक्ट कर दिए, बचा हुआ आंसर अपने आप हो गया। मैथड से भी निकाल लिया, पर मैथड की जरूरत नहीं है। और पहले फेस में आपका टारगेट यह होना चाहिए कि पहले किस तरह से हम 60 क्वेश्चन करें, फिर हम सोचेंगे कि बचे हुए क्वेश्चन का क्या करें। और इसीलिए लास्ट के जो तीन पेपर मैंने आपके डिस्कस किए थे, उसमें पूरे की जगह मेरा फोकस था कि पहले 60 प्लस कैसे स्कोर करना है। तो करेक्ट आंसर हुआ दिस वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब आपसे 2 एल एन एक्स पूछा है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पूछा। आपका इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स आपको नहीं पता, 2 टाइम्स ऑफ कितना, x कॉमन ले लो तो log x माइनस वन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2x ln x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ c, राइट। सिंपल सा एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं करना इसमें, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 0 टू पाई बाई 4 मॉड ऑफ sin x माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, कई बार किया हुआ क्वेश्चन। इसमें सीधा लॉजिक आपको मैंने बताया था, नंबर लाइन से करिए, जीरो टू सॉरी पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू। अब देखिए जीरो से पाई बाई फोर में मॉड फंक्शन का नेचर, मॉड एक्स क्या होता है वो ध्यान रखिए, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स एक्स इज लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट देखूँ तो पाई बाई फोर है, तो आप ऐसा लिखेंगे रियल लाइन पर कर लें आप, जीरो पाई बाई फोर एंड पाई बाई टू, राइट। जीरो से पाई बाई फोर में, अब इसका आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन के तरीके बताए थे। बाकी ध्यान ये रखना है कि जीरो से पाई बाई फोर में ये ऐसा ओपन होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, और उसके बाद ये होगा साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, बस यही ध्यान रखना है। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, इस वाले पार्ट का जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इस वाले पार्ट को जीरो टू पाई बाई फोर में, प्लस इस वाले पार्ट को करोगे तो माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स पाई बाई फोर से, पाई बाई फोर से पाई बाई टू में। अब आपने पाई बाई फोर रखा, वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, रूट टू माइनस वन, एक तरह से ये मिला रूट टू माइनस ऑफ वन, इस वाले पार्ट का आ गया रूट टू माइनस वन। अब जब इस पार्ट में आएंगे तो पहले रखेंगे पाई बाई टू, तो आपको ओवरऑल मिलेगा। देखिए इसमें नेचर क्या है, नेचर देखना है आपको। अब आपने पाई बाई टू रखा, ये जीरो, यहाँ रखा पाई बाई टू, तो आपको मिला माइनस वन, राइट। अब आपने रखा पाई बाई फोर माइनस के साथ, तो पहले ही एक माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो रूट टू, यानी फिर से रूट टू माइनस वन। तो ओवरऑल मॉड लेते हैं, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं टू टाइम्स ऑफ रूट टू माइनस वन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू टाइम्स ऑफ रूट टू माइनस वन इज राइट आंसर, राइट। एक बार फिर समझ लीजिए अब स्टेप वाइज, कि आपको सबसे पहले करना ये था कि 0 टू पाई बाई 4 में इसका नेचर पॉजिटिव यहाँ होगा, इसको करना है, प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को करना है, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि जिस जैसा नेचर वैसा, यहाँ पाई बाई 4 का साइन बड़ा हो जाता है, फिर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो देखिए साइन एक्स ये हो गया कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 4, वही स्टेप बचाने की कोशिश की है, माइनस कॉस एक्स ये माइनस साइन एक्स पाई बाई फोर से पाई बाई टू। जब आप पाई बाई फोर रखते हैं तो वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू रूट टू होता है, और जीरो रखते हैं तो माइनस वन मिलता है। सिमिलरली पाई बाई टू रखते हैं तो ये जीरो, ये मिलता है माइनस वन, और जब पाई बाई फोर रखते हैं तो फिर माइनस रूट टू पर प्लस हो जाएगा, देन सेम रिजल्ट, इसलिए आंसर ये आ गया, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, y इक्वल टू ए कॉस टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हैं d2 टू बाय, आप देखते ही बोल सकते हो आप आंसर क्या, इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये वापस कॉस हो जाएगा, ये भी वापस साइन हो जाएगा, पर दो बार में माइनस आएगा, तो यानी आप डायरेक्टली बोलेंगे d2 टू बाय बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये देखिए आंसर आ गया।
हमने इतने अच्छे तरीके से चीज़ें कवर की हैं कि बस आप वो टेक्निक्स अगर याद रख के पेपर कर रहे हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला था। देखिए अब क्या किया आपने, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया माइनस टू ए साइन टू एक्स माइनस टू बी प्लस टू बी कॉस टू एक्स, देन अगेन डिफरेंशिएट, ये समझाने के लिए स्टेप लिखी है, तो माइनस फोर ए कॉस टू एक्स माइनस फोर बी साइन टू एक्स, माइनस फोर कॉमन लिया तो ये मिल गया वापस y और इधर आ गया तो dy वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। अभी हम बिल्कुल वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनके पहले ऑर्डर में आप आंसर्स को दे सकते हैं, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीरो टू पाई बाई टू मेंटल सॉल्व करने वाला साइन एक्स इन टू कॉस एक्स डी एक्स, आपको पता है ये इसका डिफ्रेंशिएशन है और ई पावर टी का ई पावर टी यानी ई पावर साइन एक्स एंड दिस इज जीरो टू पाई बाई टू वन जीरो ई साइन जीरो जीरो, तो ई माइनस वन इसका आंसर आ गया। बाकी अब आप समझ लीजिए, अब मेथड जब आप यूज़ करते हैं, मैंने आपको बोला था इतना अच्छा पढ़ो कि आप कंसेप्चुअली कंसेप्ट से लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ट्रिक्स नहीं कंसेप्ट बनाओ, वो कंसेप्ट बनाओ जिसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं। ट्रिक्स देखोगे तो चार क्वेश्चन पे होंगे, चार पे नहीं होंगे, वो मुश्किल है। साइन एक्स को टी माना, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। अब क्या होगा कि लिमिट भी वैसे चेंज कर सकते हो, जीरो पर जीरो और पाई बाई टू रखा तो वन ई पावर टी डी टी देन ई पावर टी जीरो टू वन, ये आ गया ई माइनस ई की पावर जीरो यानी वन। अब मैंने क्या करा, जब मेंटली करा तो ना लिमिट चेंज करी, वही ई की पावर साइन एक्स लिख दिया, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर है बात। अब एक और क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू एक्स नॉट इक्वल टू माइनस टू माई एफ इनवर्स एक्स पूछा है, मैपिंग नहीं दी है। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा वही होता है। देखिए कैसे, एफ इनवर्स एक्स होता क्या है ये बताया हुआ था आपको, वाई इक्वल टू एफ एक्स देन एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, जो एक्स की फॉर्म में बने उसे एफ इनवर्स बोलते हैं। इसे आपने वाई लिया तो एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें तो वाई, ये वाई इधर आया माइनस वन इक्वल टू टू माइनस टू वाई माइनस ऑफ टू, या ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू टू माइनस टू कॉमन ले लें तो वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन, या एक्स इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ प्लस का लिख लें y प्लस टू अपॉन वन माइनस वाई, एंड दिस इज कॉल्ड f इनवर्स y, क्या आ गया टू टाइम्स ऑफ टू प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, इसकी जगह x लिख दें तो टू इंटू टू प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, देख लीजिए किस में आ रहा है। अच्छा यार ध्यान रखिएगा, ये सॉरी माइनस टू जब कॉमन ले लिया तो प्लस है, बस यही एक चीज़, ये प्लस है और कोई चेंज नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ गया टू इंटू वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स यानी डी ढैली। देखिए छोटी सी चीज़ मैं ही भूल गया तो गलत हो गया, तो ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों पर भी वर्क करना है। आपने क्या किया, माइनस टू जैसे ही कॉमन लिया तो आपको ये आंसर मैच कर गया। नोट करिए क्वेश्चन,